नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे, बहुत अच्छी और शानदार कंपनी की, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड एक जो कंपनी है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में आप यहाँ से अच्छे खासे शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जो कंपनी है बहुत टाटा पावर लिमिटेड बहुत बेहतरीन कंपनी है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 195 के पास पास चल रहा है। टाटा ग्रुप सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, ये क्या है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। देखो टाटा टाटा ग्रुप को जो बिलोंग करती है कंपनियां, वो दोस्तों बहुत जबरदस्त कंपनी जो थी। तो टाटा है दोस्तों, टाटा का जो ऐसा काम है, ये अपनी कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होती है कंपनी। क्या अपने जो कंपनी की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है, बहुत ज्यादा चैरिटी करती है, और अपने जो एम्प्लॉय है उनके हितों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो टाटा पावर भी उसकी एक सब्सिडरी है टाटा सन की। तो जैसे दोस्तों टाटा पावर कंपनी है, इसका जो काम है दोस्तों बहुत बेहतरीन काम है। इसके हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में आगे चल के बात करेंगे, और ये आपको कैसे पैसे आपको भर भर के दे सकता है आने वाले टाइम में, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, टाटा पावर दोस्तों जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 195 के आसपास चल रहा है। जो 52 वीक इसका लो बना है, 182 के आसपास है, 182 के आसपास है दोस्तों, और 255 का इसका 52 वीक लो है। ठीक है, जो बंदा इसमें 6 महीने से निवेशित है, उसका -11 नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं, और जिसने 1 साल से इसमें है दोस्तों, जिसने निवेश करके रखा है, वो बेचारा और भी रो रहा है। उसको क्या है, -21 के रिटर्न बन रहे हैं दोस्तों। एक ज्यादा बड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, 62,000, मात्र 62,532 की इसकी मार्केट कैपिटल है, एक की फेस वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी, ये जो कंपनी है, इस कंपनी में हम काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में इसमें हम पैसे कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ से अच्छा खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके जो पी रेशियो, इसका पी रेशियो 20 के आसपास निकल के आ रहा है, और इस वैल्यू पे इसकी 9.58 की EPS निकल के आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.43 का है, और डिलीवरीज देखिए बहुत बेहतरीन डिलीवरीज है, 43 के आसपास की डिलीवरी उठ रही है, यानी कि लॉन्ग टाइम में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जा रही है सबकी, लोगों की। ठीक है, और अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है दोस्तों, तो भविष्य में आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा ये कंपनी। तो बहुत बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। इस कंपनी में दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को हर गिरावट में आप खरीद सकते हैं। 195 का भाव है इसको, अगर आप 150 तक लेके जाएंगे, 150 तक इसको एक्यूमुलेट करके रखिए, तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त कंपनी है इस कंपनी में दोस्तों। ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म में, अगर आप इसमें काम करोगे, तो शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना के देती है, और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों पैसा बना के देती है। ठीक है, देखिए इसने दोस्तों, अगर हमसे 1 महीने का चार्ट देखेंगे, तो इसने देखिए 5% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे फिर अराउंड 2% के रिटर्न बना के दिए। तो ये अप एंड डाउन चलते रहेगी दोस्तों। इस कंपनी में क्या कर सकते हैं आप, SIP में खरीद सकते हैं, और कम में खरीद के ज्यादा में बेच सकते हैं। ये देखिए बीच बीच में कितनी गिरावटें मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे 7%, ठीक है, 7% यहाँ पे, देखिए 5% यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो आप इसको फिर 2-4% यहाँ पे, ठीक है, तो 4-4, 5-5 करके आप देखोगे तो दोस्तों इसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी बना के दे दिए हैं। अगर वैसे आप उसके वैसे रिटर्न्स देखोगे तो दोस्तों 6 महीने किसके नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, पर वैसे इसने अपने निवेशकों का पैसा काफी अच्छा खासा बना के दिया है। तो 1 साल के अगर रिटर्न्स देखिए, देखो कितने सारे गिरावटें मिल रही है यहाँ पे, देखिए बुक किया किसी ने 19% के रिटर्न, देखिए दोस्तों आपके सामने सामने यहाँ पे दे चुका है। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए 6% के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देखिए बहुत नीचे गिरा है, उसके बाद फिर यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पे 5% के रिटर्न। तो ये ऐसे गिरावट में कम ज्यादा होते रहेगा, और दोस्तों यहाँ से पैसा बनता रहेगा, लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5%, 5-5, 5-5 करके दोस्तों आपने पैसा डबल ऑलमोस्ट कर दिया। और अगर आप ईयर के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों आपके 20% के रिटर्न नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, जो इसने 52 वीक हाई बनाया है, 260 के आसपास बनाया है, 182 का सर 52 वीक लो है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, आप देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले ये स्टॉक बहुत ही एक अपनी रेंज में घूमता था, उसके बाद देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोरोना के बाद इसको बड़े प्लेयर ने देखो कैसे भगाया है, जम के भगाया है इन्होंने। ठीक है, ईवी का कॉन्सेप्ट लेकर आए और इस कंपनी को इतना भगाया, जबकि इसके अभी इतना पोटेंशियल नहीं है। आने वाले टाइम में ये कंपनी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इसका कारोबार ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, बट बड़े प्लेयर ने यहाँ पे इतना इसको भगाया है, और यहीं पे देखो जहाँ पे ये ऊंचाई में है, यहीं पे सारे रिटेल इन्वेस्टरों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो
क्या है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी बुकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ते में माल उठाया दोस्तों। देखिए आप, 36 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, ठीक है, 36 रुपये का स्टॉक भगा के देखो कहाँ लेके गए हैं। तो यहाँ पे जब 36 रुपये का स्टॉक 389% ऊपर भगा के ले गए, तो उसको जो बड़ा प्लेयर है तो वहां पे डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। उसका पैसा कितना, देखो उसका पैसा यहाँ से 4-5 गुना हो गया, तो वहां से वो अपने प्रॉफिट को बुकिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर धीरे धीरे, पर इसका क्या है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इसके कंपनी में क्या दोस्तों, बहुत अच्छा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको निवेश आपका पैसा बना के देगा। अभी दोस्तों ये काम क्या करती है, अब बात करते हैं टाटा मोटर काम क्या करती है। देखो क्योंकि किसी, अगर हम किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो दोस्तों उसके हमें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, काम क्या करती है उस कंपनी, उसका बिजनेस कैसा है, आने वाले टाइम में रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें देखनी होती है दोस्तों। ये कंपनी करती है हाइड्रो पावर पे काम करती है, ठीक है। हाइड्रो पावर पे क्या होती है दोस्तों, जो हाइड्रो पावर पे होती है, जो पानी के जरिए पावर बनाई जाती है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसको आगे जाके बेचती है, तो ये हाइड्रो पावर पे काम करती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, इसका जो आने वाला काम है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बस जो आने वाली है, ठीक है, ईवी का दौर आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो ईवी के अभी आप अपने आसपास देख रहे होंगे, तो आपको ईवी के ईवी व्हीकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, बसें आपको ईवी की दिख रही होंगी, ई रिक्शा दिख रही होंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं दोस्तों, जो कैब्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रही है। अभी आईपीएल में दोस्तों टाटा ने गाड़ी लॉन्च करी है 8.60 के, ट्रियागो ईवी करके, ठीक है। ये सब क्या है, ईवी की गाड़ी है। इस पे जो पावर जन जो इसको पावर ईवी की गाड़ी को जो पावर कहाँ से मिलेगी, वो पावर मिलेगी टाटा पावर से, ठीक है। टाटा ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है, अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है टाटा मोटर्स, तो उनको पावर कहाँ से मिलेगी, टाटा पावर ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि टाटा पावर उनकी सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद दूसरी बाहर थर्ड पार्टी को भी बेचेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस का टाइम है, क्योंकि तो टाटा मोटर्स का अभी इन्होंने टाटा मोटर्स को देनी है, तो वहां से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा आने वाले टाइम में। तीसरा दोस्तों, ये कंपनी कहाँ से करती है, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी पे काम करती है, जो विंड में बड़े बड़े टर्बाइन लगा के दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसके जरिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहां से भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस पर भी काम करती है, तो वहां से उनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो जितने भी ई रिक्शा है, इनको क्या चाहिए, जो चार्जिंग पॉइंट बनेंगे उनको टाटा पावर ही प्रोवाइड करेगी, टाटा पावर बना रही है। अभी इसने दोस्तों देहरादून और दिल्ली के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन खोलने लग गई है, ठीक है, 400 के आसपास ने काम चल रहा है उस पर, और बहुत सारे कंप्लीट भी हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, टाटा पावर है, बहुत बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, आने वाले फ्यूचर में इसमें पैसा बनना तय है। तो इसमें को क्या कर सकते हो, आप एसआईपी में कम कम स्टॉक खरीद सकते हो। देखो गिरावट का कुछ पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम कम स्टॉक करके हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके ये लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो। और यहाँ से शॉर्ट टर्म में अगर 30 से 4% आपका महीने का बनता है तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, और आप 40 से 50% साल का यहाँ से बनाते तो आपको बेहतरीन रिजल्ट है, ऐसे रिजल्ट कहीं नहीं मिलेंगे। अगर बैंक में जाओगे 12 साल में आपका पैसा डबल करेगा, एलआईसी के पास जाओगे 10 साल फिर भी लेगा मिनिमम, ठीक है। तो आपको क्या है दोस्तों, आपको क्या गिरावट का भाव देखना है और इस कंपनी में निवेश करना है। निवेश करते जाना है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 190 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 190 लिखना है और यहाँ पे भी 190 लिखना है, और नीचे नीचे के भाव में एक्यूमुलेट करो, 2-4 साल इसको होल्ड करके रखो, आपका पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो बस राइट प्राइस, राइट कंपनी ढूंढ लिया, राइट प्राइस चाहिए, राइट प्राइस आपको गिरावट के भाव से ही मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चुपचाप बैठना है, होल्ड करना है और एक लिमिट सेट करनी है, इससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा नहीं, इससे ज्यादा पैसा मैं लगाऊंगा ना, अपने कैपिटल अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उस पर पैसा लगाना है और यहाँ को इस स्टॉक मार्केट को लूट लेना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट दोस्तों अब आने वाला, अब क्या है, अब कुछ टाइम के बाद, अब तो कुछ टाइम क्या दोस्तों, अब आ ही गया है, आपको देख रहे होगा कि गर्मी चरम पे पहुंचने वाली है, ठीक है। अब क्या, गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में क्या होता है दोस्तों, पावर की बहुत जरूरत होती है, हर स्टेट को पावर की जरूरत होती है, कटौती चलती है, ठीक है, क्योंकि पावर, इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, क्योंकि इसका कंजप्शन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो क्या अब आने वाले टाइम में गर्मी आने वाली, तो टाटा पावर की इन कंपनियों की डिमांड बढ़ जाती है, इनको अच्छा खासा प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके बाद से इनके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। हर कंपनी, हर घर में एक एक पंखा लगाए, फ्रिज लगाए, ठीक है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, तो क्या है, इसकी खपत ज्यादा हो जाती है पावर की, तो उसको कंपनी को क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो ज्यादा अर्निंग आती है, ज्यादा बेचती है, स्टेट को बेचती है और भी बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजली प्रोड्यूस करके बेचती है। और दूसरा दोस्तों, आप क्या,
पहले क्या होता था दोस्तों, जो बिजली बनती थी कोयले से बहुत ज्यादा बनती थी बिजली, तो कोयले के रेट अगर बढ़ जाते थे तो, पर यह है कि बिजली कंपनी को क्या है, अपने जो जो भी ये बिजली बेचते थे बाहर सरकार को या किसी और को थर्ड पार्टी को, तो इनको क्या है अपने सब्सिडी 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 देनी पड़ती थी। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपको रॉ मटेरियल महंगा मिला है तो आप बिजली को बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो ये अपने अपने प्रॉफिट को हैम्पर नहीं करेंगे, ये आगे को पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर को, ठीक है। तो इससे क्या है, इनके इसके इससे ये है कि इनके लॉसेस कम हो जाएंगे, जो पहले इनको लॉसेज आ रहे थे अब आने वाले टाइम में लॉसेज नहीं होंगे, ठीक है, वहां से इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो दूसरा दोस्तों देखो, दूसरा क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो इस कंपनी को, देखो यहाँ पे कंपनी सही चल रही थी, यहाँ पे इसको कूड़े के भाव 30, जब 30 रुपए के आसपास था, तो बड़े जो बड़ा प्लेयर होता था, जो बिग बुल कहते हैं बड़े प्लेयर, इन्होंने क्या है यहाँ पे कूड़े के भाव में इस स्टॉक को खरीदा, ठीक है, कूड़े 30 रुपए के आसपास उन्होंने खरीदा, उसको भगा के ले गए सीधे दोस्तों 300 के आसपास, ठीक है, 300 350 के आसपास, और वहां से रिटेलर को चिपका दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या कर दिया, अब यहाँ पे रिटेलर को चिपका दिया, अब क्या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इनके 4 5 गुना पैसे बन गए, अब धीरे धीरे नीचे को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिटेल जो निवेशक है जिसने हाई प्राइस में खरीदा वो परेशान हो गया है, वो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, पर भाई ये भी तो देखो 36 पॉइंट 36 रुपए से लेके तो ऊपर को भगाया है, तो अब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अब धीरे धीरे इनको नीचे ले जा रहे हैं। तो बड़ा प्लेयर क्या करता है दोस्तों, अब इसको नीचे को गिराएगा, नीचे को गिराएगा, और रिटेलर का पेशेंस टेस्ट करेगा, जब रिटेलर यहाँ से बेच के माल बेच के नीचे निकल जाएगा स्टॉक से, फिर दोबारा वो क्या है इसको कूड़े के भाव में खरीदेगा, फिर स्टॉक को लेके जाएगा वो 500, ठीक है, फिर 500 को लेके जाएगा दोस्तों, फिर 500 में क्या होगा, जब ये 500 में पहुंचेगा तो दोबारा रिटेल इन्वेस्टर के होगी एंट्री इसमें, ठीक है, रिटेल दोबारा इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा 500 दोस्तों, फिर वहां पे क्या है 500 पे फिर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, इसको लेके जाएगा 400, फिर ऐसे करके 1000, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है बड़े प्लेयर की, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में डरना नहीं है आपको भी, जैसे बड़े प्लेयर करता है वैसे ही इसमें काम करना है, नीचे नीचे पे खरीदना है, और बड़े प्लेयर के बेचने से पहले आपको वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो ही आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको भी कूड़े के भाव खरीदना है, जैसा बड़ा प्लेयर खरीदता है वैसे आपको भी करना है, तो इस कंपनी से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो कोरोना के टाइम पे काफी भगाया था, अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कंपनी में कोई खामिया नहीं, कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, इस कंपनी में आप बने रह सकते हो। तो दोस्तों दोस्तों आपकी कमजोरी है लालच, ठीक है, आप क्या है दोस्तों लालच करते हो, तो लालच में आके क्या करते हो दोस्तों, आप ह्यूज क्वांटिटी अमाउंट लगाते हो, ह्यूज क्वांटिटीज लगाते हो, तो ह्यूज क्वांटिटी जो बंदा लगाता है फिर वो उसके बाद फंस जाता है वहां पे, ठीक है, उसे नीचे एवरेजिंग के लिए पैसे नहीं बचते हैं, वो स्टॉक मार्केट से भी एग्जिट कर जाता है, कि ये जुआ है, जुआ नहीं है बट ये आपको फंसाया जाता है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं अच्छे फंडामेंटल, वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है, आपको 3 4 चीजों पर काम करना है, रूल सेट करना है, ठीक है, गुड स्टॉक में काम करना है, ठीक है, पेशेंस के साथ होल्ड करना है, ठीक है, पेशेंस का होल्ड करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने की, और ग्रेडी नहीं बनना है, यहाँ से 20 30% आपके बनते हैं तो आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, फिर दोबारा मौके मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं, 5000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से आप अगर 50 कंपनी भी ऐसी ढूंढ लेते हैं जिसमें आप ऊपर नीचे करके काम कर सकते हैं, तो वहां से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपको काम करना है, यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न आप बना सकते हैं, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में काम करना होता है, बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों इसके, तो आप इस कंपनी में फोकस करके रख सकते हैं, टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर देखो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करेंगे तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, शानदार रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर देखिए दोस्तों इनके रेवेन्यूज देखोगे आप, देखिए इनके सेल्स देखिए कैसे, मार्च 6000 6000 8000 7000 9000, ठीक है, 14000 14000 बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट देखिए 498 689 373 1078, ठीक है, 1864, कहीं पे आपको डिप दिख रहा है, कहीं पे डिप नहीं दिख रहा होगा, तो ये कंपनी बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में आप नजर बना सकते हो, ईयर एंड ईयर अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, ईयर एंड ईयर प्रॉफिट भी देख सकते हो आप इसमें, देखो सेल्स देखिए ईयर एंड ईयर, देखो मार्च 12 में 26000, 13 में 33000, ठीक है, 17 में 27000, 19 में 29000, 32000, ठीक है, 42000, कहीं पे कमी दिख रही है, कहीं पे कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों बढ़ते ही जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 507 975 1000 1200 2000 3000, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुए हैं 2000, यहाँ पे फिर लास्ट में बढ़ के आ गए, ठीक है, बीच में क्वार्टर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती रहती है, वहां से डरना नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बेहतरीन कंपनी है, उस कंपनी में हम काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत अच्छी कंपनी है इस कंपनी में, ठीक है। अच्छे खासे इनके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी हैं। देखो बोरिंग भी है, थोड़ा बहुत बोरिंग कर्ज है, क्योंकि देखो अब इतने बड़े सोलर पैनल्स लगते हैं, टर्बाइन लगती है, तो उसमें कर्जा चाहिए होता है अपने एक्सपेंड करने के, थोड़ा बहुत कर्जे रहते हैं उसमें कंपनीज में। बट जैसे जैसे प्रॉफिट जनरेट होते रहते हैं तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। इनकी प्रमोटर्स की होती तो 46.86 है, ठीक है, मेंटेन है, बराबर है, प्रमोटर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एफआईएस देखिए 11-11 एफआईएस कम है, एफआईएस हर स्टॉक से गिर के भागे हैं अभी इस टाइम पे, तो इससे भी निकल के भागे हैं, इसलिए स्टॉक थोड़ा नीचे डाउन दिख रहा है। डीआईएस देखिए, तो डीआईएस ने पूरा भरोसा दिखाया है, 14.16 की होल्डिंग अभी भी बना के रखी है डीआईएस ने, ठीक है। गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, और हमारे और आपके आपकी तरह जो पब्लिक है वो भी 29.21 के आसपास। तो इस कंपनी से डरना नहीं है, इस कंपनी से प्यार करना है, गिरावट का भाव देखना है और स्टॉक मार्केट को लूट लेना है। ऐसे स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो जिंदगी भर यहाँ से पैसा कमाओगे स्टॉक मार्केट से, और आने वाले फ्यूचर में आप भी एक मल्टीबैगर आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से मिलेंगे, और आप एक पैसे इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो अच्छे खासे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।